नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नेट दीक्षा। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो का विषय है विंडोज डिफेंडर को कैसे डिसेबल किया जाता है या फिर इसका जो रियल टाइम प्रोटेक्शन है उसको कैसे डिसेबल किया जाता है। इसका रीजन तो बहुत सारा हो सकता है, तो मुझे सिर्फ इसको ही ऑफ करना है, तो मैं इसको परमानेंट ऑफ नहीं करूंगा, इसको सिर्फ रियल टाइम प्रोटेक्शन है उसको ऑफ करूंगा। तो उसको कैसे ऑफ करते हैं, तो इससे क्या होगा, मेरा काम भी हो जाएगा और मेरा जो पीसी का थ्रेड है इसका जो रिस्क है वो भी कम हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करना है विंडोज डिफेंडर का रियल टाइम प्रोटेक्शन ऑफ। तो सिंपली देखिए, मैं यहाँ पे इसका लोगो पे क्लिक करूंगा, अगर नहीं है तो आपको यहाँ पे इसका नाम सर्च कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरा लोगो है शॉर्टकट में, क्लिक करने के बाद ऐसा पॉप सब आएगा। तो देखिए यहाँ पे मेरा सेटिंग आप देख सकते हो, ये ऑफ है, बाकी सारा ऑन है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, इसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे काफ़ी सारा कुछ है, उसको शेरखानी मत कीजिएगा। ठीक है, तो उसके बाद आपको यह वायरस थ्रेट प्रोटेक्शन सेटिंग इसमें क्लिक करना है। तो यहाँ पे आके ज़्यादा कुछ भी आपको शेरखानी नहीं करना है, जैसे ऐसे ही रहेगा। सिंपली आपको इसको जो रियल टाइम प्रोटेक्शन है इसको ऑफ करना है। तो देखिए पीसी एक ऐसा वार्निंग मैसेज देगा, उसके बाद ऐसा यस करना है। तो जैसे आप वहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद देखिए ये जो है रियल टाइम ये ऑफ हो गया और यहाँ पे भी नोटिफिकेशन आ रहा है। उसके बाद आप जो करना चाहते हो कर सकते हो और आफ्टर सम टाइम ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा, आपको ऑन करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो गाइस प्लीज, अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और आने वाला वीडियो को देखने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।